सभी गांव की श्रद्धा है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस काम के खिलाफ हो। पूरे पूरे हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाते हुए कहिए, भक्ता की श्रद्धा से भारी, भक्ता की श्रद्धा से भारी, नहीं रे बचार कोई नारी और नारी, एक और देव है आपकी, उसमें पाणाला बाबा भी कहते हैं, दूसरा बणी वाला बाबा भी। संकट काटे तो कहबीर, संकट काटे तो कहबीर, और राम धनी खोलने पे कबीर, राम धनी खोलने पे कबीर, संकट काटे तो कहबीर, राम धनी खोलने पे कबीर। ओ बाबैया भक्ता के बाबा बैया, देखो रे राम सिंहारी, देखो बाबा
भक्ति भाव है उसी का ये परिणाम है कि ये बनी ये जंगल जो कि आज सोना दिखाई नहीं दे रहा। इस जंगल में मंगल है, इस जंगल में सन्नाटा नहीं है, इस जंगल में डर नहीं है, इस जंगल में भयानकता नहीं है। और उसका कारण एक ही है कि इस जंगल में आप गांव की लोगों की भक्ति भावना ने ऐसे धाम बनाए हैं जहां भक्तों का दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है, आवागमन लगा रहता है। और इन इष्ट देवी देवताओं की कृपा आप पर ऐसे ही बनी हुई है क्योंकि जहां जिस गांव के जिस घर के जिस आदमी के मन में भक्ति भाव है वहां निश्चित रूप से इष्ट देवी देवता वास करते हैं। अपने गांव के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए मेरा समर्थन कीजिए कि भक्ति भाव का मशहूर कंपनी एनडीजे जो कि लगभग हरियाणा प्रोग्राम को कवर करती है उसके डायरेक्टर मेरे भाई रोहतास और सबक लबरू 100 रुपए से अपने भाई का मान सम्मान करके बार बार धन्यवाद करते हैं। और 100 रुपए भगत जी ने देकर के मेरा मान सम्मान बढ़ाया, बार बार धन्यवाद करता हूँ। और कैसे दिल से बाबा के चरणों में शीश झुकाते पूरे पूरे हाथ उठा करके जोरदार तालियां। और इस बच्चे के नाम से भी जोरदार तालियां, ये बच्चे ही कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य है। और ये 100 रुपए आदरणीय पूजनीय धर्मगिरी जी महाराज जी अपने इस बच्चे को दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करता हूँ। और 50 रुपए इस छोटे से बच्चे ने भी नन्हे से भक्त ने भी दिए, इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और चाहे वो गाने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, जब दिल से एक तारतम्य लगा करके भक्ति भाव से भर करके किसी चीज को करते हैं, सुनते हैं या गाते हैं, निश्चित रूप से वहां इस कलिकाल में परमात्मा खुश हो जाते हैं। क्योंकि सांसारिक विषय वासनाओं में घिरे हुए लोगों के पास अगर एक घड़ी का समय भी इतना निकल आता है कि वो उसको याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो उसकी भक्ति हो जाती है, परमात्मा खुश हो जाते हैं। क्योंकि उसको भी मालूम है कि कलयुग है, कलयुग में अगर कोई मेरा नाम भी रट लेता है थोड़ी सी देर घड़ी दो घड़ी तो भी मैं मानता हूं कि वो वास्तव में कोई ना कोई सच्चा इंसान या भक्त है। सुरेश महान भी I'm not afraid of the dark.
जी।